नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है फिश फिंगर्स। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ़िश फिंगर्स। फ़िश फिंगर्स बनाने के लिए हमें वाइट फ़िश चाहिए। मैंने बासा फ़िश का इस्तेमाल किया है, 450 ग्राम ये बासा फ़िश है जिसके कांटे निकाल कर ये फिले तैयार कर लिया गया है। ये मार्केट में रेडीमेड मिलता है, इसे ले लें आप। और इसे अब हम फिंगर्स के शेप में काट लेंगे। सबसे पहले जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फ़िश फिंगर्स बनाने की, वो फ़िश की कटिंग है। तो हमने फ़िश का एक फिले ले लिया जिसमें कि कांटे नहीं हैं, इसमें कांटे नहीं होने चाहिए फ़िश फिंगर्स में, और उसको ये ऐसे लंबे लंबे हमने फिंगर्स के शेप में काट लिया है। अगर आप चाहें तो इससे छोटे फिंगर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो फिंगर्स मैं ये बना रहा हूँ फ़िश के, इसको आप बीच से काट दीजिए तो ये थोड़े छोटे फ़िश फिंगर्स भी तैयार हो सकते हैं। मगर आज हम जो बनाएंगे वो हम थोड़े बड़े साइज़ के फ़िश फिंगर्स बनाएंगे। तो ये मैंने फ़िश में से ये काट के पीसेस निकाल लिए फिंगर्स के शेप में, और चलिए अब इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें मैरिनेशन होगा उसमें हम लगभग 1 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक डाल देंगे। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, और 1/3 चम्मच छोटा चम्मच जो है उससे हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। ये मैरिनेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ़िश फिंगर में, क्योंकि अगर आपने ये मैरिनेशन नहीं किया तो जब अल्टीमेटली आपका फ़िश फिंगर बन के तैयार होगा तो वो अंदर से उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। तो इसे हम करीब 15 मिनट तक के लिए मैरिनेट कर देंगे और उसके बाद हम इसकी फ्राई करेंगे। चलिए जब तक हमारी फ़िश मैरिनेट हो रही है तब तक हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 तरह की कोटिंग है, दूसरी तो बहुत आसान है। फर्स्ट कोटिंग सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लोर लिया है यानी कि मैदा, और उसके बाद इसमें 1/3 चम्मच के बराबर मैंने जीरे का पाउडर लिया है। लहसुन ले लीजिए, लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिए और 1 टीस्पून के बराबर इसमें आप टेबलस्पून के बराबर आप इसमें लहसुन डालिए। आप चाहें तो लहसुन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 कच्चे अंडे हम डालेंगे। तो मैं पहले 1 अंडा जो है वो इसके अंदर तोड़कर डालता हूँ। इसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दीजिए। सीजनिंग हो गई इसकी, और उसके बाद हम इसे मिलाएंगे। ये हो गया ब्लैक पेपर, सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया। अब इसे विस्क कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा, ये देखिए, ये थोड़ा अभी गाढ़ा है, तो इसमें एक और मैं डालूँगा। एक और एक इसमें फोड़ के डाल दिया मैंने, और इसके बाद इसे जब हम विस्क करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो हमारी कोटिंग है फर्स्ट कोटिंग वो तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का हमारा कोटिंग तैयार हो गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट कोटिंग, और जो हमारी सेकंड कोटिंग है वो है ब्रेड क्रम्स। फाइनली हम जो फिश फिंगर है उसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो ये लगभग 15 मिनट के बाद ये मैंने फ्रिज से निकाला है फ़िश को, और ये बढ़िया से अब इसमें इसके अंदर नींबू का रस, नमक और ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ गया है। इसे एक बार दोबारा से ऐसे मिक्स कर लेता हूँ, और उसके बाद आप इसमें से एक फ़िश का जो फिंगर है वो उसे उठाइए। ये देखिए, उसके बाद इसे जो फर्स्ट हमारा जो कोटिंग है रिफाइंड फ्लोर, एग और बाकी स्पाइसेस का, उसमें डाला हमने, डिप किया अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में से कोट करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में आप ब्रेड क्रम्स ले लें और इसे अच्छी तरीके से कोट करें, और उसके बाद इसे हम दोनों हाथों से प्रेस करेंगे और एक फिंगर का शेप देंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इसे ऐसे हमने बढ़िया एक फिंगर का हम इसमें शेप दे देंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया फिंगर। अब इसी तरीके से आप प्रोसेस रिपीट करिए, और जितने भी आपने फिश के पीसेस काट के रखे हैं उन सब के ऐसे ही फिंगर्स आप तैयार कर लीजिए। ये तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसे फ्रीजर में नहीं, इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे,
और उसके एक घंटे के बाद ये देखिए जब मैंने निकाला तो ये बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। ये अब इसे हम फ्राई कर रहे हैं। इसे हम आप फ्राई करने के लिए किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक बात का सिर्फ आप ध्यान रखें कि जो तेल है वो बिल्कुल पाइपिंग हॉट नहीं होना चाहिए या बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। आपका ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए, इसलिए आप जो फ्लेम रखें गैस की उसको आप मीडियम रखें, और मीडियम फ्लेम पर अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। फ़िश को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसा आप सब जानते ही हैं, खाने के शौकीन हैं सारे, तो इसको फ़िश को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आप हर तरफ से बिल्कुल इवनली जो है वो फ्राई करिए। डीप फ्राई हो रहा है ये, 5 से 6 मिनट लगेगा, और ये जब बिल्कुल मीडियम हीट पर बिल्कुल अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इवन कलर आ जाए आपके फिंगर्स में, तो आप समझ लीजिए कि आपके फिश भी अंदर से बिल्कुल पककर तैयार है। तो ये देखिए, ये लगभग 5 से 6 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर, और इसमें बढ़िया सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, और ये हमारे फिश फिंगर्स बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इनको आप ऑयल से निकालने के बाद किचन टिश्यू जो होता है उसके ऊपर आप इसे रखें, ताकि इसमें से जितना भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए तैयार हो गया हमारा फिश फिंगर्स, है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। अब आप इसे किसी अच्छी सी चटनी के साथ या मेयोनीज के साथ या दही की बनी हुई किसी चटनी के साथ सर्व करिए। ये इवनिंग स्नैक्स में सबसे फेवरेट स्नैक्स होता है, और किसी भी आप जब होटल में जाएंगे तो वहाँ जो भी आपको फिश फिंगर्स मिलती हैं वो हमेशा आपको बासा फिश की फिंगर्स मिलेंगी, क्योंकि उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे फाइनली मैंने थोड़ा सा ड्रेस कर दिया है हरी धनिया के साथ, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी आप ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।